हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं ज्योमेट्री के 10 सम्स, 10 इजी एंड इम्पॉर्टेंट सम्स। इन सम्स को अलग अलग पेपर से लिया गया है, अलग अलग चैप्टर से हैं, इम्पॉर्टेंट टिप्स के साथ हैं, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत ही परफेक्ट है, एंड तक ज़रूर देखें। ज्योमेट्री के दूसरे चैप्टर जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सिमिलैरिटी और ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं चैनल लर्निंग सपोर्ट पे। आई होप आप सभी ने वो देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे तो आप देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। फर्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज 3:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज। यहाँ पर दो सिमिलर ट्राइंगल्स के साइड्स का रेशियो दिया है, हमें उनकी एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे लेट एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स बी A1 एंड A2, लेट द करस्पॉन्डिंग साइड्स बी S1 एंड S2। तो आपको ये याद रखना है कि अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनके एरिया का रेशियो इज इक्वल्स टू उनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर करना है। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, ये स्क्वायर करना आपको ध्यान में रखना है। यहाँ साइड्स का रेशियो दिया गया है 3:5, तो 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, दैट इज़ 9:25। देयरफॉर रेशियो ऑफ एरियाज A1:2 इज इक्वल्स टू 9:25। सेकेंड क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को हम उल्टा कर लेते हैं। जैसे वहाँ पर रेशियो ऑफ साइड्स दिया गया था, हमें एरियाज़ का रेशियो फाइंड करना था। इस क्वेश्चन में एरियाज़ का रेशियो दिया गया है, साइड्स का रेशियो फाइंड करना है। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज 16:25, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। हमारी पहली स्टेटमेंट सेम होगी, लेट एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स बी A1 एंड A2, लेट देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स बी S1 एंड S2। Therefore, A1 upon A2 is equals to S1 square upon S2 square. लेकिन A1 upon A2 16:25 दिया गया है। Therefore, S1 square upon S2 square is equals to 16:25, which is 4 square upon 5 square. अब हमारे पास है S1 square upon S2 square is equals to 4 square upon 5 square. तो इन सभी का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो फाइनली हमें रेशियो मिलेगा साइड 1:2 इज इक्वल्स टू 4:5। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि साइड का रेशियो फाइंड करने के लिए एरियाज़ के रेशियो को स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल मेड बाय टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये एक सर्कल है जिसमें रेडियस OA है, टेंजेंट है PQ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज A। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल बताना है, तो वो होता है 90। टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं, या उन दोनों के बीच की एंगल 90 डिग्री होती है। फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स। हमें ये बताना है कि सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं क्या। तो सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ये ट्रू है। मैं यहाँ आपको कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर ट्रायंगल्स का डिफरेंस बता देती हूँ। पहले दो ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तीन करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और तीन करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी कि 6 कॉन्ग्रुएंट चीज़ें हैं इनमें, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल्स में तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होते हैं, लेकिन साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, उनका साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। कह सकते हैं कि सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, लेकिन सारे सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P विच बाइसेक्ट्स अ सेगमेंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 3:2 and 5:2। एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है इस क्वेश्चन में जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमें फॉर्मूला कौन सी यूज़ करनी है। वो वर्ड है बाइसेक्स। इसका मतलब है जिस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं वो इन दो पॉइंट्स की मिड पॉइंट है।
और हमें मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करनी है। कंसिडर करते हैं कि ये लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 2 और 5, -2। उसे हम लेबल कर लेते हैं x1, y1 और x2, y2। पॉइंट पी इनकी मिड पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई। तो x इज इक्वल्स टू x1 + x2/2, दैट इज 3 + 5/2, 8/2 और 4, x मिल गया 4। y इज इक्वल्स टू y1 + y2/2, 2 + -2/2, दैट इज 0/2, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर 4, 0। सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें क्या फाइंड करना है देखें। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट -6, 8 एंड ओरिजिन इज। डिस्टेंस फार्मूला के लिए हमें दो पॉइंट्स चाहिए, x1, y1, x2, y2। पर यहाँ पर तो एक पॉइंट है -6, 8, दूसरी पॉइंट है हमारे पास ओरिजिन, दैट इज 0, 0। तो जिन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है वो है 0, 0 और -6, 8। 0, 0 को मैं ले रही हूँ x1, y1 और -6, 8 है x2, y2। ओरिजिन या 0, 0 को x1, y1 इसलिए लिया है क्योंकि हमारा कैलकुलेशन इससे इजी हो जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1² + y2 - y1²। इस फॉर्मूला में x2, x1, y2, y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ -6 - 0² + 8 - 0² 0 किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नंबर बाकी रहेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ -6² + 8² -6 का स्क्वायर 36 है और 8 का स्क्वायर 64। 36 + 64 आता है 100। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 है 10। तो डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट -6, 8 इज 10 यूनिट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। फाइंड डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हूज साइड इज 10 सेंटीमीटर। तो हम एक स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर ABCD, जिसका डायगोनल है AC, जो हमें फाइंड करना है। उसके साइड, स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं, तो दो साइड हम ले रहे हैं AD और DC, दोनों 10-10 हैं, और AC हमें फाइंड करना है। स्क्वायर की एक और प्रॉपर्टी होती है कि उसके सारे एंगल्स 90 होते हैं, तो एंगल D 90 होगा। तो ट्रायंगल ADC राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम AD² + DC² = AC² दैट इज 10² + 10² = AC². 100 + 100 = AC² देखो AC² = 200। दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो AC = √200। 200 को हम लिख सकते हैं 100 × 2। 100 10 का स्क्वायर है तो वो रूट के बाहर आ सकता है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है तो उसे रूट में रहना पड़ेगा। तो AC = 10√2। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल दिया है, उसके एक साइड की जगह दो साइड दिए हैं और डायगोनल फाइंड करना है, उसके दो साइड्स हैं 4 और 3, तो आपको ये याद रखना है कि रेक्टेंगल में भी सारे एंगल्स 90 होते हैं और पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम डायगोनल AC फाइंड करेंगे। यहाँ पर 4² + 3² = 16 + 9 = 25। तो डायगोनल हो जाएगा AC² = 25, देयरफॉर AC = 5 सेंटीमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3 नंबर्स दिए जाएंगे जो साइड्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल के, उसमें से जो बड़ा है उसका स्क्वायर अलग से करना है, वो हाइपोटेन्यूज हो सकता है। बाकी के दो नंबर्स का स्क्वायर करके उनको ऐड करना है। अगर उनका सम बड़े नंबर के स्क्वायर के इक्वल आया तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। यहाँ पर ऑप्शन सी और डी पॉसिबल नहीं है, तीनों इक्वल सी वाले तो हो नहीं सकते हैं। डी में भी दो इक्वल हैं, जो थर्ड है हाइपोटेन्यूज उनसे छोटा नहीं हो सकता, तो सी और डी कैंसिल है। ए को हम ओरली चेक कर लेते हैं, इनमें नंबर बड़ा है 10,
तो 10 का स्क्वायर है 100, और दो छोटे नंबर 1 और 5 का स्क्वायर ऐड करना है, तो 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 26। 26 और 100 इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। अब हम चेक करते हैं 3, 4, 5 को, ऑप्शन बी को। 5 का स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 विच इज़ ऑल्सो 25, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3, 4, 5। नाइन्थ सम में हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2 sec 10 इंटू cos 10। sec 10 होता है 1 अपॉन cos, तो हम sec 10 की जगह 1 अपॉन cos सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन बन रही है 2 sec 10 इंटू cos 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 अपॉन cos 10 इंटू cos 10। cos 10 cos 10 कैंसिल हो जाएगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी आंसर 2। टेंथ क्वेश्चन, वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ tan A इफ़ sin A इज इक्वल्स टू 3/5 एंड cos A इज इक्वल्स टू 4/5। बहुत ही सिंपल है, खाली एक दो ट्रिक आपको मैं बता दूंगी, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। tan A आपको पता है कि sin A अपॉन cos A होता है। यहाँ पर sin A और cos A दोनों की वैल्यू फ्रैक्शंस में हैं, तो इसलिए अब हम उन्हें अपॉन करके नहीं बीच में डिवीजन का साइन करके लिखेंगे, जैसे इज इक्वल्स टू sin A डिवाइडेड बाय cos A। अब इन दोनों की वैल्यू लिखेंगे इज इक्वल्स टू 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5। अब हमें बीच के डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए सेकंड वैल्यू का रेसिप्रोकल लिखेंगे, यानी सेकंड वैल्यू 4/5 की जगह 5/4 लिखेंगे। तो हमारा 5 और 5 कैंसिल होके आंसर मिल रहा है 3/4। देयरफॉर 10A इज इक्वल्स टू 3/4।